आज कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, मजे में होंगे। आज का लोग स्टार्ट, वेलकम बैक टू इंडिया एंड अदर ब्लॉग। आज का लोग अच्छा सा, आज इतवार का दिन है, आप सबको जैसे पता होगा इतवार का दिन हम मैच खेलने चलते हैं। इसके लिए हम आज मैच खेलने आए, टास्क बड़ा हो गया। ये हमारी फील्डिंग आई है और वो बैटिंग में है, दूसरी टीम बैटिंग में है और अभी हम फील्डिंग में खड़े होते हैं। चलाओ, हम लेग पे हमारी फील्डिंग है, अब लेग पे चलते हैं फील्डिंग के लिए। किधर खड़े हो ना? चलो ये देखे हमारा अली, ये भी लेग पे जा रहा है, हम भी लेग पे चलते हैं। चलो लेग पे। सबर कर, तूने किधर खड़ा होना है? ये भी इधर खड़ा, तो तूने किधर खड़ा होना? मैं उधर होगा, तू उधर चल। हाँ चलो भाई, वो सारे लगे हैं, देख रहे कि ऊपर पे हमारी तो भाई फील्डिंग है, तू इधर खड़ा हो जा बस, और हम इधर खड़े होते हैं। ठीक है, चलो भाई फील्डिंग में तो खड़े हो गए। अब जब ये बॉलिंग करवाते हैं फिर आपको दिखाते हैं कौन सा पहले ओवर करा रहा है, कितनी विकेट होते हैं देखते हैं, अब आपको दिखाते हैं। चलो अभी तो यहाँ फुल स्टॉप करते हैं साहब, अपने फील्डिंग में खड़े हो गए हैं, मैं तो इधर खड़ा हो गया, और ये वो उधर खड़ा हो गया, एक इधर ये एक पीछे अली। हम लैग पे हैं, वो भाई स्टेट पे हैं, वो देखें, और ये बॉलिंग हो रही है, लाइन लगा रहे हैं इधर, और ये और हाफिज भाई बॉल पकड़ने के लिए गए थे पीछे, पहली बॉल कराई थी, पहली वाइड फेंक थी, और ये दो भाई ये ओपन में आए हैं। अब हम फील्डिंग करते हैं, फील्डिंग करके फिर आपसे मिलते हैं, अच्छी वाली फील्डिंग करनी है ना, फिर इन्होंने कहा तो फील्डिंग नहीं कर रहा, फील्डिंग करते हैं फिर आपसे मिलते हैं, पहली बॉल आपको दिखाते हैं, पहली बॉल इधर को आ गई। हम फील्डिंग करते हैं, फील्डिंग करके फिर आपसे मिलते हैं, चलो फील्डिंग करें, पहले भी मेरी तरफ बॉल आ गई तो मैं लोग में आ रहा था, चलो फील्डिंग करते हैं फिर आपसे मिलते हैं, चलो फील्डिंग। साहब देख लो, फील्डिंग हम करके आ गए, अब हमारी बैटिंग आ गई है, देखते हैं किसने पहले जाना अपने ऊपर, अरे टेप तो करे ना अपनी। चलो हाफिज साहब खुले क्योंकि नहीं आते टेप, अगले वाली रहने देना बस, ऊपर वाली तो रहा। चलो 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 यार, इसको टेप मुझे करनी नहीं आती, बस शॉट एक गाल सुन ला, एक गाल डबल नहीं मैं करनी, जो होएगी फिर कर। टेप हाफिज नहीं, हमारी बॉलिंग को छोड़ो, आही एवं किन्ना छोटी छोटी आ रही है। व्लॉग में शामिल हो रहे हैं, ये एक चर्सी ये है, एक ये भी एक, ये एक सारे ये चर्सी हैं, ये देख रहे हो ना, हम भी चर्सी हैं, और ये पंगी है। जब देखते हैं आपको किसने ओपन पे आना, फिर आपको बताते हैं। ओपन में मैं और ये हाफिज भाई जा रहे हैं, सही खेलना है ना, अच्छी वाला चलिए
लेग ब्रेक कर रहे हैं सामने वाला और ये शानदार शॉट चुकी और ये क्या और क्या शॉट मारी है पावर हिटर ने, बाउंड्री के बाहर जाता हुआ सिक्स। ये देखा जा रहा है तो ये छक्का है, अंपायर का इशारा छक्का था और लड़ाई कर रहे हैं। वो इन्होंने देखा है, ये दाद दे रहे हैं खिलाड़ी को आगे। और ये जो पावर हीटर है हमारे राज यूट्यूब की वीडियो देख रही है ये था वो यूट्यूब पे डाला मैंने कहा नेट डिवाइस ही हो जाए हमारी राशि ने बल्ले लगा मैच तो मार चुके हैं अब ये खड़े हैं सारे मैच तो मार सके और वो अभी घर जा रही है वो टीम हम जीते हैं हमें रोंदर करके आउट दिया ये अंपायर साहब ने देखो अंपायर को अपना ही था क्रीज पे पहुंच गए थे अपना ही था अपना अंपायर था खेलना तुम लोग को आ नहीं रहा था आउट में एक गेंद खेलिया गाइस कह रहा था खेलना आता नहीं है इसे चलो एक गेंद खेलिया वो भी दो एक नहीं दो वाइड एक बीट की और एक खेली है अब हम हार चुके हैं अब हम अपना मैच अपना आपस में लगाते हैं खेलते हैं फिर आपको आपस में जो लगाते हैं लगाते हैं बैकिंग नहीं बोल रही अगर मुझे क्या देखो अगर मुझे लाया हो क्या आप और पिक अप सकते और ये मार देता हां डूड हां नहीं ऐसे नहीं होता चलो भाई अब बताओ क्या करना है इन्हें मैंने कह दिया ना इस बार मैं देख जाऊंगा टेप टेप करे हाथ से आपस में टेप दे जिप नहीं खोल आपस में खेलना हां आपस में खेलना है वो भाई बोलने अलग बार नहीं जाना मैं लग जाऊंगा किन्नू हमारी क्या हमारी बॉलिंग आई है बैटिंग चार चार आवर है कितने कितने आवर है ये मेरी बॉडी है जो मैंने बनाई yes yes ये आपको नारे दिखा दिया हां लग नहीं है लग रही है हां और लग नहीं है कह दे लग नहीं है अब हम फील्डिंग करते हैं फिर आपसे मिलते हैं चलो फील्डिंग क्या वो मैच भाई अच्छी थी ऐसा मैच तो हमने खेल लिया क्या करने लगे देखने लगे कौन ज्यादा अब ये दोनों देखने लगे वट्टा कौन ज्यादा पत्थर कौन ज्यादा दूर चलो तीन ने देखता किसका ज्यादा दूर जाता आपस में सबसे छोटा पकड़ लिया चलो आपस में ही इतनी दूर तो नहीं गया चलो सभी यू सभी इज कमिंग फॉर अगली गाटी यू अली फ्रॉम सबसे पीछे जिसने कहा लगाए वही सबसे पीछे डिगा जाकर वो तीनों वो जा रहे हैं अब जा रहे हैं अब खेल तो हमने लिया अब हम घर जा रहे हैं घर चलते हैं फिर आपको घर चल कर फिर आपसे मिलते हैं चलो आप घर चलते हैं चले चलो आप घर चलते हैं तो हमने ले लिया अब हम चलते हैं घर गिर दही ले लिया अब हम चलते हैं घर घर जा कर फिर आपसे दही तो घर से दही तो फिर आपसे दूध दे के मैं दूध दही ले गया तो वो मैंने अब कर दिया मैं अभी आया हूँ और यहाँ देखो जलसा हो रहा है
ये जलसा ये हमारा भाई ब्लॉगर है, ये भी ब्लॉग का चैनल का नाम बता दे अपने का। स्टार्किंग नाम है इस भाई के चैनल का, जाके सब्सक्राइब कर दे यार। और अभी आपको दिखाते हैं, हाँ ये जलसा है, शेर शकर बाटा आ रहा है इधर, ये देखे अच्छा इधर वाला जब आता है कितना रश अच्छे वाला। लाइट को क्या लाइक को बोलते हैं, लाइक को कब टिकट आता है, कब टिकट छोड़ी है, बहुत ज्यादा छोड़ा आगे हुए हैं हम यहाँ पे। वो आता है अभी उसको कौन है, तो शोर ही बहुत ज्यादा आ रहा है, नहीं लग रहा देखे यार, जितने भी आए ना बंदे ये भी इसको बुला के बिरयानी खाते आए हैं। ये कौन सी जगह पे ये सारे बिरयानी खाते आए हैं, यहाँ तो देखे बहुत रश है, शोर भी बहुत ज्यादा रश भी है, देखते हैं फिर आपको दिखाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसे आते हैं कितने आते हैं। ये मुझे जो सेल शो का बाटा है बस वही आ रहा है सर, साथ उसके जो गंदा निकाला वो सारे आ रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं जब आता है। भाई साहब एक और पोस्टर लग रहा, वो देखे एक लगा एक और लग गया, उसके ऊपर ही लगा दिया उन्होंने। अच्छी चल रहा अभी तो, इतना डरा दिया अभी, बिरयानी खाने वाले और भी आएंगे, अभी थोड़े से बिरयानी खाने वाले, अभी जब सारे आते हैं हम शादी करेंगे। क्या बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात, यही बात करनी चाहिए, तो शादी करेगा शादी करनी है, इसकी तस्वीर बताना है इधर आ। हाँ क्या कर दिया, नवाज़ भी एयरपोर्ट में आ रहा है, पूरी प्राइवेट जेट में आ रहा है नवाज़ भी, ये भी बिरयानी खाने आए हैं। मेरी तरह घर की क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बड़ा कर दी करेंगे, बड़ा कर दी बस, और कुछ नहीं करेंगे। मुश्किल नहीं माला में सुकून टैक्स लगा दिया दो दिन, एक और टैक्स लग गई है, अभी तक तो वो आया नहीं है, जब आता है तो फिर आपको दिखाते हैं। अभी तो यहाँ तो बहुत रश है, शोर भी बहुत है, जब वो आता है फिर आपको दिखाते हैं, जब वो आते हैं वो शेर आते हैं, तो आपको दिखाते हैं, देखे कितना रश है, ये पैसे भी है, अला फर ला अला देखे सारे आ गए, और ये लटेड़ा पैसे पर कटे भी चला गया था, हाँ फर ले ना, ये देखे उधर जा रहे हैं, दिखाते हैं ये गाड़ी थी आ गया। अभी जब बैठते हैं ना फिर आपको दिखाते हैं, अभी तो रश बहुत है, फिर बैठते हैं फिर आपको दिखाते हैं, इधर को जा रहे हैं साथ। नजर ही नहीं आ रहा, आदमी खड़े हैं ये देखो, इधर बिरयानी है साढ़े, इधर बिरयानी के लिए गए हुए हैं, अब उधर जब बैठते हैं फिर आपको दिखाते हैं। मुकम्मल नहीं होता, मैं स्कूल से नहीं बैठूंगा।
पैसे से नारे लगाओ, मेरा मकसद नारे लगवाना नहीं है, ना ही कोई सियासत करना है, मनाने में जानवरों से बदतर सज्जन लोग गुजार रहे हैं। 5 साल के बाद मुझे मनावा आने का मौका मिला। मनावा मेरा हल्का 2013 से 2018 तक था, मगर 2018 से 2023 तक ये हल्का मेरा नहीं था। यहाँ पे पीटीआई की हुकूमत थी, पंजाब में भी पीटीआई की हुकूमत थी, वफाक में भी पीटीआई की हुकूमत थी। मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि उन लोगों को सोचना चाहिए था जो लोग कहते रहे 4 साल 5 साल कहते रहे कि हम पाकिस्तान में रोजगार लाएंगे, 50 लाख नौकरियां लेके आएंगे, 1 करोड़ घर लेके आएंगे, बेहतरीन सड़कों के जाल बिछाएंगे। अफसोस के साथ मैं इनको यकीन दिलाता हूँ, मेरा माजी गवाह है। मैं अपने दौर में अपने मजदूरों के लिए, अपने गरीब बहनों भाइयों बहनों के लिए मनावा हॉस्पिटल आपकी दहलीज के ऊपर लेके आया, जहाँ पे हर जरूरत का मुफ्त इलाज होता है। खिदमत खलक की हमें जहाँ तक भी हो सके, अपनी बेटियों के लिए, माओ के लिए, बच्चियों के लिए मनावा कॉलेज बना हमारे दौर में। मगर अफसोस के साथ तब्दीली का नारा लगाने वालों ने पिछले 4.25 साल में कहीं एक ईंट तक नहीं लगाई। आज मनावे की एक एक गली, एक एक माँ, एक एक बहन परेशान, एक एक आंख में आंसू देख रहा हूं मैं मनावे में। हर कोई पुकार रहा है कि आए और मनावे की जाने वाले वहां पे मई तो गुजरती है, पानी डूबा हुआ है, सारी सड़कें पानी के पानी। मगर मैं सिर्फ और सिर्फ मनावे वालों को ये यकीन दिलाने के लिए आया, अगर मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया, अगर मुझे इच्छा अल्लाह ने मौका दिया, अब आपस समझ के जो मेरी माओ बहनों का हक है मनावे वालों का, वो उनको उनका हक मिलेगा। तब ये मेरे हाथों से नहीं, मुझे आज भी याद है ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बना, मगर मैं मनाने के अपने बुजुर्ग और नौजवानों से फिर अपील करना चाहता हूँ। अल्लाह ने मुझे दोबारा से सर्दियों में भेजा है, मुझे मौका दिया दोबारा से आपकी खिदमत करने का। जहां जहां पे 2013 में मियां मोहम्मद नवाज शाह की हुकूमत में जहां जहां पे जो गलियां सीवरेज बने, उसके बाद कोई साबित नहीं कर सकता कि 4 सालों में पीटीआई ने अपने दौर में एक ईंट तक मनाने में लगाई है। अगर तरक्की का वो सफर चलता रहता तो आज मनाने का ये हाल ना होता। अगर 4 सालों में बेहतरीन सड़के की मंदिर बनाने में, बेहतरीन सीवरेज का मगर यूथ के भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मगर मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम से ज़्यादा तकलीफ मेरे लिए ज़्यादा अजियत बनाने के लोगों के लिए। ये लोगों की गुजर गुजर इन गलियों मोहल्लों में बच्चों ने खेलना है, बच्चों ने परवाह चलना है, उन गलियों मोहल्लों में कीचड़ है, पानी है, गुजर गाहें बंद है, कब्रिस्तानों के रस्ते बंद है। मेरे लिए ये जंग है कि मैं मनाने को बेहतरीन गलियां मोहल्ले पुख्ता सड़के पुख्ता गलियां देके जाओ और बेहतरीन सीरियस का निर्माण देके जाओ इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह मैं अपनी माओ बहनों बेटियों को कहूंगा मायूस मत हो, अपने बेटे पे इत्माद करो, अपने भाई पे इत्माद करो, आवाज की गरीब की खिदमत की है। और इंशाल्लाह मनावा मेरा घर है, मेरे घर में जो मेरे माओ बहनों के आंसू निकलते हैं उन आंसुओं का मदावा काम से होगा। बेहतरीन गलियां बनाने में, बेहतरीन सीवरेज का जाल बनाने में बिछेगा और अल्लाह के फजल व करम से बिछ के रहेगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। जलसा खत्म हो गया, देखो सारे जा रहे हैं, सारे।
जलसा तो हो गया, देखे सारा एंड हो गया, सारे इन्होंने फिर शुरू कर दिया अपने क्रिकेट। थोड़ा आज की वीडियो तो करते हैं प्यार, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।